तक कि मेरा सोच है पार्टी के लिए कोई चैलेंज नहीं होगा, क्योंकि चैलेंजेस तो हर वक्त होते हैं हर इलेक्शन में। और जो मैं देख रहा हूं एनसी कांग्रेस पीडीपी इस वक्त लूज पोजीशन में है, ज़मीनी सतह पर उनका कहीं वजूद ही नहीं है। तो रही बात बीजेपी की, बीजेपी ने पहली बार यहां इलेक्शन लड़ा, चाहे यूएलबी का था चाहे पंचायत का था। यूएलबी में आपने देखा कि हमने करीब करीब हर जगह पे अपने प्रेसिडेंट बनाए, चेयरमैन बनाए। 106 कैंडिडेटों ने हमारे 106 कैंडिडेटों ने जीता। फिर इंडिपेंडेंट लोग भी हमारे थे बहुत। तो इस तरह आज के डेट में 8000 सरपंच टोटल हैं। मेरी उम्मीद है और मेरी नॉलेज जो है, जेएनके से कम हमारे 4000 सरपंच होंगे। कश्मीर वादी में इस वक्त हम 50% से आगे जा रहे हैं। जो इलेक्शंस हुई, जो जीत के आए, पंच जो हैं एक पंचायत में 9 पंच होते हैं, मिनिमम 7 होने चाहिए। उसमें ये रहा कि कहीं पर सरपंच जीत के आया रहा, उसमें रेस्ट ऑफ सीट्स 231 रहा, जम्मू में 11 रहे, 242 हैं वो। और यहाँ पर जब ये इलेक्शन 12 तारीख को ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास रिजल्ट आएगा कि अनरेस्ट सीटें कितनी रही जिन पर कंटेस्ट नहीं हुआ है, सो दैट इन दोनों का एक ही वक्त उस वक्त इलेक्शन हो जाएगा। रही बात हमारे आने वाले इलेक्शन की, जो अप्रैल मई में होने वाला है, असेंबली और पार्लियामेंट का इलेक्शन जो है, ये दो वोट एक ही वक्त डाला जाएगा ताकि सरकार को इस पर ज़्यादा खर्चा ना पड़े। तो उसमें हमारी पूरी उम्मीद है, यानी मन विश्वास है हमारा कि इंशाअल्लाह रहमान इस वक्त हम जो सरकार बनेगी असेंबली से, वो हमारी होगी, बीजेपी की होगी, चीफ मिनिस्टर हमारा होगा। और उम्मीद हम करते हैं कि हमारा चीफ मिनिस्टर जो जम्मू कश्मीर का बनेगा वो बारामूला से ही होगा, डिस्ट्रिक्ट बारामूला से, सिर्फ वो डिस्ट्रिक्ट बारामूला से होगा। और हमारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो भी होगा वो जम्मू से होगा। 56 सीटों पर हमारा इस वक्त टारगेट है, जबकि हमें 45 ही सीटें सरकार बनाने के लिए चाहिए, लेकिन 56 सीटों पर हमारा निशाना है जो फर्स्ट फेज में है। इलेक्शन जब होता है वो 3 फेज में होता है। फर्स्ट लाइन जो इस वक्त हमारी है वो 56 सीटों की है, और हमें पूर्ण उम्मीद है कि 56 के 56 सीटों को